वेलकम टू गहना कुकिंग लाइफस्टाइल। आज का विषय है स्वस्थ जीवन के 22 नियम। नंबर एक, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करें। नंबर दो, दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं। नंबर तीन, सुबह उठकर नींद की शुरुआत करें और रात के समय पर सो जाएं। नंबर चार, आपके आहार में फल और सब्जियां हमेशा शामिल हो, ऐसा उपाय करें। नंबर पाँच, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और मनोबल बढ़ाएं। नंबर छः, नियमित रूप से दांतों की सफाई करें। नंबर सात, स्वस्थ तंतु के विभिन्न पोषक तत्वों को शामिल करें। नंबर आठ, हर महीने अपने चिकित्सक से नियमित रूप में चेकअप करवाएं। नंबर नौ, रोजाना कम से कम 30 मिनट की तेज चलने या व्यायाम करें। नंबर 10, नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के फलों का सेवन करें। नंबर 11, मोबाइल और डिवाइस का उपयोग सीमित करें और नियमित रूप से विश्राम करें। नंबर 12, समय पर आत्म मौन या आत्म मनन का समय निकालें। नंबर 13, नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोतों को अपने आहार में शामिल करें। नंबर 14, आपके आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें। नंबर 15, समय समय पर ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का समर्थन करें। नंबर 16, नियमित रूप से अपनी सोच को साफ और पॉजिटिव रखने के लिए पुस्तकें पढ़ें। नंबर 17, नियमित रूप से अपने आसपास के लोगों के साथ समय अवश्य बिताएं। नंबर 18, नियमित रूप से नींद की कमी से बचें और सोने के अभ्यास को मजबूत करें। नंबर 19, विभिन्न तरीकों से स्ट्रेस को कम करने के लिए धार्मिक अभ्यास को शामिल करें। नंबर 20, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करें। नंबर 21, सर्दी में महिलाओं को तिल के सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं। तिल में मौजूद कैल्शियम और अमीनो एसिड होता है जो हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है। इसके सेवन से शरीर की थकावट दूर होने के साथ साथ शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। नंबर 22, तिल का सेवन करना शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। सर्दियों में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दी में चकली, हलवा और लड्डू बनाकर खाए जाते हैं। वैसे तो तिल घर के सभी लोगों को दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को सर्दी में सेवन से इसके तरह के अनेक फायदे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स A lot. Thanks for watching. स्वस्थ रहने के लिए एवं ऐसी जानकारी के लिए हमेशा गहना कुकिंग लाइफस्टाइल से जुड़े।